देखा यार, देखे भाई यार, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें यार। देखे मैं आपके लिए कितनी भाई साहब बिजली क्या तड़क रही है यार, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है यार। देखिए भाई साहब, दो दिन से मौसम खराब हो रहा था और आज जाके बारिश आई है, वो भी हल्की फुल्की। यहाँ के निकली आएगी क्या भाई ये छतरी? ये तो निकली नहीं रही यार, तो इसे भाई मैं सस्ता के ले जाता हूँ, ऐसे 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 ले जाऊँ। अब तो देखा भाई, दिमाग लड़ाया मैंने तब जाके निकली है इसमें। भाई साहब ऊपर हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी इसलिए यार ना छतरी टूट गई थी, मोबाइल ख़राब हो जाता है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब देखिए नीचे से दिखा रहा हूँ भाई, हवा ना बहुत तेज़ चल रही है, बारिश इतनी नहीं हो रही जितनी तेज़ हवा चल रही है। देखिए यहाँ पे मम्मी खा रही है रोटी, कहीं तो खा रही है टमाटर चटनी थे। देखिए भाई साहब यहाँ से गाड़ी को ले जाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है आप ऐसे करके। पी 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 पी। तो फाइनली देख सकते हैं मैं आया हूँ भाई साहब, अभी मौसम खराब है, मैं अभी दुकान से आया हूँ। देखिए बारिश अब भी हो रही है और बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी और तभी मैं दुकान पे गया और आज मूड हो रहा है यार मौसम के हिसाब से आलू के पराठे बनाने का, यार काफ़ी टाइम से मन कर रहा तो आज बनाया जाए, तो मैं आलू लेकर आया हूँ, आलू लेकर आया हूँ। और देखिए अभी बारिश हो रही है, बूंद आपको नहीं दिख रही होंगी यार, कैमरे में बूंद ही नहीं दिखती है भाई साहब, बिजली कहीं में कहाँ फूस फिर। मौसम इतना ज़बरदस्त ख़राब है कि अभी भाई कितनी ज़बरदस्त बिजली पड़ रही यार, भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बिजली पड़ रही। देखिए भाई फूल देखिए, वाह क्या ज़बरदस्त फूल है, बहुत ही गजब लग रहे हैं यार। देखिए ये ना हमने पेड़ उगा रखे हैं यार, ये किसका पेड़ है मालूम नहीं भाई मुझे, इसका पता है फुलवाड़ी का पेड़ है, ये शीशम का है। और मम्मी माँ देखे, नानी हमारी नानी, ये धूल लगा दी आज मैं बतरा रही उसको, तो कह रही कह रहे हैं। दोस्तों जैसे ही मौसम साफ हुआ तो धूप निकलेगी कि ये मौसम ख़राब हुआ करीबन एक डेढ़ बजे से, अभी जो दूध ही आया है तो आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 5 बजे से और दूध ही आया, दूध देने के लिए हमने लिया है आधा लीटर दूध। फाइनली पराठे बनकर ना रेडी हो चुके हैं आलू के, देखिए भाई साहब गर्मा गर्म आलू, भाई साहब बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे ज़बरदस्त, और पराठे देख के ना मेरे मुँह में यार पानी आ रहे हैं भाई, देखते हैं किस प्रकार बन रहे हैं और खा के ट्राई करके बताता हूँ आपको। देखिए भाई साहब ये हो रहे हैं भाई, सरसों के तेल में पराठे गर्मा गर्म चटनी, वाह वाह भाई साहब गजब। देखिए भाई गर्मा गर्म ताज़ा पराठे बहुत टेस्टी है यार, चूल्हे पे बैठ के ना खाने का अलग ही आनंद है पराठे का। देखिए भाई चटनी देखिए क्या जबरदस्त, वाह मम्मी भाई पानी आ रहा है और मौसम भी यार काफ़ी ठंडा हो रहा है जो खाने का मन कर रहा है, मौसम के हिसाब से पराठे सूटेबल हैं, देखते हैं बना रहे हैं। दोस्तों फाइनली भाई साहब पराठा बनकर रेडी हो गया आलू का, देखिए वाह अरे वाह। और भाई साथ में मैंने ना मिर्च ली है हरी और ये टमाटर लिया है मैंने भाई, ये टमाटर की चटनी है रसादार, और ये मैंने दही ली है, और भाई साहब देखिए इसका वो देखिए, फाइनली पराठा बनकर रेडी हो गया है, तो मैं इसे एक को
बीच में से फाड़ के दिखाता हूँ आपको, गर्मा गर्म पराठा है। ओह गर्म है भाई साहब, बहुत तेज ज़्यादा गर्म है, और मेरे मुँह में ना बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। देखिए एक वो देख लीजिए भाई साहब, भीतर देख लीजिए क्या गजब है यार। और भाई साहब ये ना बरसात के मौसम में पराठा घर पे जो बनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। जो पराठे आलू के और पकौड़े आलू के बहुत ज़बरदस्त। अभी से भाई मेरे मुँह में ना पानी आ रहा है, आपके भी आ रहा है, तो आप घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले भाई साहब मैं टमाटर की चटनी के साथ करूँगा, देखिए टमाटर की चटनी। गजब। अब दही का टेस्ट करके बताता हूँ। भाई इनका टेस्ट आ रहा भाई साहब, घर का बना हुआ पराठा ऐसे मिल जाए ना तो नू समझो सारे खाने सारी शक्ति फेल है, कुछ भी नहीं है इसके सामने भाई साहब। कैसा भी चाहे राजशाही खाना हो वो भी फेल है भाई साहब। एक बाइट आपके नाम से। एक बाइट आपके नाम से, वो भी टमाटर की चटनी के साथ। आपके नाम से टमाटर की चटनी के साथ। भाई इसका जो तीखापन है ना क्या गजब आ रहा भाई साहब, मुझे ना तीखा पसंद है। अगर आपके मुँह में भी पानी आ रहा है ना तो प्लीज़ यार एक पोतना आप ट्राई ज़रूर कीजिए घर पे बना के, काफ़ी टेस्टी बनते हैं दही से। और बीच बीच में जो मिर्ची का स्वाद आता है वो तो भाई चांद चांद तारे लगा देता है भाई साहब। मिर्ची के ऊपर थोड़ा सा नींबू छिड़क के ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि उसका जो खट्टापन होता है ना तब। एक बाइट आपके नाम से भाई साहब। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जब से ऐसी मज़ेदार वीडियो लेकर आऊँगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। दुआ लग रही है आप।